हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास टू की हिंदी वर्कशीट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न वन, निम्नलिखित शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनसे मिलते जुलते हमें शब्द लिखने हैं। जैसे गाय, गाय के आगे यहाँ मैं लिखती हूँ पाए, लाए, सारा, मारा, तारा, फूल, धूल, भूल, इस तरीके से। उसके बाद आता है इनके विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं, मतलब उल्टा अर्थ लिखना है। जैसे फूल, कांटा, प्रेम, घृणा, राजा, रंक, गुण, अवगुण, सुख, दुख, इस तरीके से। उसके बाद आता है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, एक तरफ मैंने इसमें एक वचन लिखा है, दूसरी तरफ बहुवचन लिखे हैं, तो बच्चों को मैच कराना है इसमें। तो बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, बात, बातें, रास्ता, रास्ते, हमला, हमले, इस तरीके से। उसके बाद आता है जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ मैंने अलग अलग शब्द लिखे हैं, इनको हमें जोड़ना है। जैसे बल प्लस शाली क्या बन गया, बल शाली, प्रभाव प्लस शाली, प्रभावशाली, पाठ प्लस शाला, पाठशाला, भाग्य प्लस शाली, भाग्यशाली। उसके बाद आता है इनके तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द का मतलब होता है जो यहाँ पे शब्द लिखा है बिल्कुल सेम ऐसी ही उसमें आवाज आएगी, और जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है ती, म, हा, ये लास्ट वाला वर्ड सेम होता है, जैसे आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो आती का क्या हो जाएगा, जाति, हम, तुम, कहां, वहां, उठो, बैठो, देती, खेती, इस तरीके से। उसके बाद आता है शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इनकी जो मात्राएं हैं या आ की मात्रा है, ये सब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या सही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सर्दी लिखा है पर ये गलत लिखा है, सर्दी, इस तरीके से लिखा जाता है। तालाब, तालाब, धूप, ये क्या है, धूप, वृक्ष, वृक्ष में ये वाला र नहीं आता, वृक्ष में ये वाला री आता है, इस तरीके से हमें ये कराने हैं। सही शब्द के सामने दौड़ा अथवा दौड़ी लिखिए। ये जो शब्द होते हैं इसमें हमें क्या करना है, ये एक तरह से लिंग को पहचान कर हमें लिखने होंगे। जैसे चूहा, चूहा के साथ हम क्या लिखेंगे, दौड़ा या दौड़ी, पुल्लिंग है चूहा तो हम क्या लिखेंगे, दौड़ा। लड़की स्त्रीलिंग है, दौड़ी। शेर, दौड़ा। बिल्ली, दौड़ी, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। प्रश्न आठ, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा,
वाक्य लिखा हुआ है रेहान जल्दी बड़ा होना डैश था, चाहता या चाहती, इसमें भी हमें लिंग पहचान का लिखना होगा। तो रेहान के लिए हम यहाँ पे था लिखा हुआ है, तो था से हमें समझ में आ जाएगा क्या आना चाहिए यहाँ पे, चाहता, चाहता था। माँ माली से कह डैश थी, रही या रहा, कह रही थी। रेहान पतंग उड़ा डैश था, रही या रहा, उड़ा रहा था। वह बाजार जा डैश था, तो रही या रहा, इसमें भी हमारा रहा ही आएगा। वह बाजार जा रहा था, जैसे इसमें चाहता, इसमें रही, इसमें भी रहा और इसमें भी रहा। तो इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दी गई मात्राओं से शब्द बनाइए। यहाँ पे मैंने कुछ मात्राएं लिखी हुई हैं, इनसे हमें शब्द बनाकर लिखना है। जैसे ये ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा में हमें शब्द बनाएंगे तो क्या हो सकता है, बेर, शेर। उसके बाद दो मात्राओं वाले शब्द लिखने हैं, आय की मात्रा होती है ये, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे बैल, थैला। ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा में चोर, मोर, इस तरीके से। उसके बाद औ की मात्रा है ये, तो औ की मात्रा में क्या हो सकता है, कौआ, चौका, इस तरीके से। उसके बाद आता है छोटा उ एवं बड़ा उ, मात्राओं का सही प्रयोग कर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, पर इनमें मैंने उ और छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा लगानी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दिया हुआ है बीच में, द का न, यहाँ पे छोटे उ की मात्रा लग गई तो बन गया दुकान। तो इस तरीके से हमें ये डिसाइड करना है कि बड़े उ की मात्रा लगेगी या छोटे उ की। तो चप लिखा है ये, तो क्या होना चाहिए, छोटा उ लगेगा, चुप। नाखन, नाखून। चाकू, चाकू। गुलाब, ये चूहिया। भालू, चुनरी। उसके बाद तराजू, दुनिया, खजूर और इधर तुलसी। तो इस तरीके से बच्चों को क्या होगा, मात्राओं का अर्थ भी समझ में आएगा और कौन सी कहाँ पे मात्रा लगेगी वो भी समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।